पंजाब चुनाव तो मैडम क्रिकेट का मैच हो गया है, जहां कोई सिक्सर लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच हो गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। मैं हूं आसिया। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में पंजाब का विधानसभा चुनाव कम दिलचस्प नहीं है। पंजाब में राजनीतिक हवा का रुख किस ओर है, इसे समझने का प्रयास राजनीतिक विश्लेषक लगातार कर रहे हैं। कांग्रेस, आप और अकाली दल ने अपने अपने सीएम उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ है नॉनसेंस थिंकर लाल बुझक्कर, जो पता नहीं समझते कभी है या नहीं, पर बड़बड़ हमेशा करते रहते हैं। लाल बुझक्कर जी, ये बताइए, आप चुप क्यों नहीं रहते? इहे से मैडम कि हमरा चुप होते दूसरा बोले लगता है। कहाँ कोई बोलता है, देखिए हमरा चुप होते अभी आप बोली ना। अरे मैं तो बोलूंगी ही ना, मुझे आपसे सवाल जो करना है, मैं एंकर हूँ ना। हम भी लाल बुझक्कर हूँ मैडम, जवाब तो हम ही ना देंगे। जवाब दीजिए, पर प्लीज बकवास जवाब मत दीजिएगा। पंजाब चुनाव के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? पंजाब चुनाव तो मैडम क्रिकेट का मैच हो गया है, जहां कोई सिक्सर लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच हो गया है और बेचारा कह भी नहीं पा रहे, ठोको ताले। शायरी थोड़ी कम किया कीजिए लाल बुझक्कर जी, आपकी शायरी से कोई प्रभावित नहीं होता। पहला बेर आप हमको राइट सलाह दी है मैडम, काशी सलाह कोई पाजी को भी दे दिया होता। गुरु शायरी करते रह गए और पता चला एक के बैर में खटैक हो गए, सीएम चेहरा से बेचारा आउट हो गए। मैडम एक और बात याद आ रहा है, आप कहिए तो हम बोले। बोलिए, आप मानेंगे कहाँ? ये बात भी आप राइट बोली। बचपन में क्या होता था मैडम कि जब पैर में हमरे कोई कांटा गर जाता था ना, तो हम एगो और कांटा लेके वो कटवा निकाल लेते, तो वो कटवा बाहर, अब फिर जे कटवा से कटवा निकालते थे ना, वो कटवा भी हम फेंक देते थे। कुछ कुछ ऐसा ही हुआ है किसी के साथ पंजाब में, का बुझी? बुझने से रही मैं आपकी बातें, क्या कांटा कांटा कर रही, ये सब छोड़िए। राहुल गांधी ने तो चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस का सीएम चेहरा घोषित करते हुए कह दिया है कि पंजाब को गरीब घर का बेटा ही मुख्यमंत्री के तौर पर चाहिए। गरीब का बेटा? ऊपर वाला हमको भी चन्नी साहब जैसन गरीब बनावे मैडम। वैसे ई तो है मैडम, सिनेमा हो या राजनीति, गरीबी का स्टारडम अलग होता है, तबे ना होर मचल रहता है कि तुम ज्यादा गरीब कि हम ज्यादा गरीब, और लोग यहाँ कहते हैं कि गरीबी हटाओ। मतलब तो नवजोत कौर सिद्धू यानी श्रीमती सिद्धू जी ही बतावेंगी, जिन्होंने कहा चन्नी साहब हमसे ज्यादा अमीर हैं। अब ये जोड़ घटाव के मैथमेटिक्स में वो केकरा कमजोर बता रही हैं, ये तो उहे जाने। राजनीति की बात में अब ये गणित कहाँ से ले आया आप? सारा खेल गणिते का है मैडम। क्या आप राय का पहाड़ बना रहे हैं? जब चन्नी साहब के नाम की घोषणा हुई तो सिद्धू साहब ने चन्नी साहब का हाथ पकड़ के ऊपर उठाया। पता नहीं काहे मैडम ये बात पे ना हमको दीवाना मस्ताना सिनेमा वाले अनिल कपूर और गोविंदा जी का चेहरा जैसन दिखा, जिसमें दोनों अलग अलग मंगलसूत्र और अंगूठी लेके रजिस्ट्रार के यहाँ ये सोच के पहुंचे थे कि जूही चावला उन्हीं से शादी करेंगी, लेकिन पता चलता है कि वो तो सलमान से शादी कर रहे हैं। और जब सलमान पूछते हैं कि ये दोनों कौन है, तो दोनों कहते हैं हम दोस्त हैं। सेम चेहरावा हेयर मैडम, याद है ना मैडम? आप भी ना कॉमेडी फिल्म की बात छोड़िए, आप यानी आम आदमी पार्टी की बात कीजिए। कॉमेडी का बात कैसे छोड़ दे मैडम, यह करते करते तो वो आपके सीएम पद के दावेदार बन गए। मन तो अब हमारा भी करता है ना मैडम कि खूब कॉमेडी करें, का पता हमारा भी नंबर लग जाए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कीजिए लाल बुझक्कर। भगवंत मान को आपने लोगों से राय लेने के बाद ही सीएम का चेहरा बनाया है, ऐसा का? और नहीं तो क्या, आप इस चुनाव को लेकर बहुत गंभीर हैं। कुछ दिन पहले केजरीवाल जी ने चन्नी साहब पर हमला करते हुए कहा था कि इससे बड़ी नौटंकीबाज और ड्रामेबाज सरकार कोई नहीं। सर जी बात बोले, नौटंकीबाज और ड्रामेबाज? हाँ भाई, अरविंद जी ने ही कहा चन्नी सरकार के लिए। मैडम तनी हंसे का परमिशन मिलेगा क्या? फालतू की बात करने लगे ना आप। फालतू की बात आप कैसे करेगा मैडम, सर जी तो सीरियस आदमी है,
तुरते घर परिवार का कसम उसम खाए लगते हैं। अरे मैं आपकी बात कर रही थी। तो हम भी तो आपका ही बात किए। अरे मैंने आप यानी कि लाल बुझाकर की फालतू बात के बारे में कहा, आप यानी आम आदमी पार्टी के बारे में नहीं। तनी क्लियर करके बोला कीजिए ना मैडम, आजकल कंपटीशन इतना हो गया है ना कि पते नहीं चलता है कि केकर बात हो रहा है। बकवास बंद कीजिए। आपको पता है केजरीवाल जी की पत्नी बेटी भी भगवंत मान के प्रचार का हिस्सा बन रही है। माने फैमिली का एंट्री, अच्छा बात है। ऐसे भी हमको का सोचना, सोचना है तो सोचे मान जी और सिसोदिया जी। मतलब कुछ भी बोल देना है। वो तो यह से मैडम कि लोग कुछ भी कर देते हैं। राजनीति का इतिहास पढ़ के तो ऐसे ने लगा है का बुझी। आपकी बातें आप ही बुझो लाल बुझकर जी। मेरा तो अनुमान है कि पंजाब में बहुत टाइट फाइट है। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और आप में ही दिख रहा है, पर अकाली दल गठबंधन की दावेदारी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भाजपा और अमरिंदर सिंह की पार्टी का गठबंधन कैसा प्रदर्शन करता है, इस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।